किसान की पत्नी जो राय सो भैया किसान रोज खेत में काम करने के लिए जात राय करे सो बे कहू 12-1 बजे रोटी लेके जाओ करें खेत में लेट हो जाओ करें और जब लेट हो जाओ करें पूजा पाठ करती रहो करें बेचारी लेट हो जाओ करें। सो एक दिन किसान ने भैया कई बे रोटी लेके आई लेट सो कई जाकी जे बताओ तुम इतनी काय में व्यस्त हो जाती हो जो कि इतनी लेट रोटी लेके आती हो समझ आए के बोली बोली जा बताओ लेट रोटी की बात कर रहे तुम। अरे हम पूजा पाठ करतन आए धोए के और ताके बाद में फिर खाना बना तब तुम आई के लेके आते हैं। बोले अच्छा दूसरो दिन भाओ सुबह किसान ने मन में जा सोची कि आज जरा हम देखें कि इनकी ऐसी कौन सी पूजा है जो कि जे इतनी देर लो कत्ती रहती है। सो भैया का वो किसान जो राय खेत में जाने के लिए बाद में घते बेरा तो निकले लेकिन जाए के पीछे भाई खेत में झुकी गई और जाए के पीछे भाई खेत में पेड़ के पास ढुकी गई। सो भैया उनकी पत्नी को पूजा करने को समय भाओ। अब जैसे ही पूजा करने को समय भाओ सो थाली लई और अगरबत्ती लई और वमें गंगा जल भल्लो लुटिया में अब लेके चली। सो भैया उन्हें गांव में एक नालंदा देवी को मंदिर राय मंदिर नालंदा देवी को। अब जाए के भैया जैसे ही वह मंदिर में पहुंची सो मंदिर में पहुंची गाती बजाती वही सो जैसे ही मंदिर में पहुंच के अगरबत्ती जराई दो और अगरबत्ती घुमाई के हुई पे लगाई दी और जल चढ़ाई दो। जब जल चढ़ाए दो बुक किसान जो राय सो पीछे से खड़े हुई के देखत रहे चुप्पा की देखे कौन सी पूजा करती जे। अब भैया जैसे ही पूजा पाठ तो कर ली और जब मांगन को समय आओ जब मांगन को समय आओ सो हाथ जोड़ के बैठ गई बोली माता रानी और हाथ जोड़ के बैठी गई समझ आई कि बोली बोली समझ आए के अरे हे देवी नालंदा कि नालंदा और मरी जाए सास मेरी नंदा। अरे हे देवी नालंदा नालंदा मरी जाए सास मेरी नंदा। समझ आए के बोली अरे हे देवी नालंदा और मर जाए सासु मेरी नंदा। अब जैसे ही इतनी बात कही बा किसान ने सोची बोले जा बहुत बढ़िया है नहीं पूजा है जे तो हमारी अम्मा और बहन को मारवे में लगी तब ही हम जा काए और जब इतनी देर तक कौन सी पूजा होते है। अब भैया दूसरो दिन भाओ सो किसान ने मन में सोची अब हो जाए कछु जाए पूजा आज हम करें जाए के। अब भैया उनने कहा करो हलको लो। अब जैसे ही हलको लो सो जाए के गांव के बैरा निखरे। अब जैसे ही गांव के बैरा निखरे सो उनने धरती में हलको धर दो। अब मन में सोची हम पूजा तो करें लेकिन अगरबत्ती कहाँ तलाए। सो उनने देखो सामने जो राय बनाए वो तो घास कौन सी दूब कही जाते हैं सो दूब खोटी। अब जब दूब खोटी सो दूब ले आए अब वहीं पे देखो भरा में पानी भरो रहे सो उनने भाई बोतल में पानी भरो लेके आए गए वहीं पे। अब भैया उनने तो दूब लगाए दई उन पे भाई बोतल वालों पानी चढ़ाए दो। अब बेऊ जब मांगने को समय आओ सो बेऊ का काम लगे अरे मार कटेरी मर जा और मर जा तो और मर जाए ससुर मेरो सारो ए मार कटेरी मर जा रो मर जा रो मर जाए ससुर मेरो सारो। अरे मार कटेरी मर जा रो और मर जाए ससुर मेरो सारो। अब बिन्ने जैसे इतनी बात की सुजे चीज उनकी पत्नी पीछे से ठाड़ी होए के देखती रहे। अब जब ठाड़ी होए के देखती रहे भैया पास में पहुंची बोले क्या का कर रही हो तो
भैया हमारे पिताजी को मानने में लगे हो। बहने जा कहीं जा बताओ तुम कल हमें तुम कल हमारी अम्मा और हमारी बहन को मानने में लगी डरी थी तब हमने कहा झुनाई गई और आज तो उनसे काम तो नहीं आई हो। तो भैया कहा बहुत दो जोन में झगड़ा होगा उसको गुस्सा होगा। अब जब गुस्सा हो गई पता नहीं गुस्सा बैठे हुए पति गुस्सा बैठे। अब पति ने मन में सोची अब क्या करें जे हमसे बोलती ना है जे को लोग गुस्सा रहे अब हमें लगा तो है हम ही को झुकन पड़ेगा हम ही को बोलने पड़ेगो। अब उनने भैया क्या करो सो बे ये तो लगने की पत्नी ने सोची अब क्या करें अब जी हमसे ना ही बोले तो फिर हमें अच्छो ना ही लगे अब हम ही जाए के बोल लें। सो इनने हुए मन में सोची सो बिन्ने सोची सो आमने सामने आए गए। अब जब आमने सामने आए गए सो बोला चाल नहीं होल लगी। अब भैया उनकी पत्नी ने क्या करो बेकदम से बेहोश हो के गिर पड़ी। आज बेहोश हो के गिर पड़ी होश आओ बिन के पति ने कही का होएगा हो काय बेहोश हो के गिर गई। बोले हमारे जो सर में बहुत दर्द हो ही रहो और जो दर्द बंद ना हो तो बोले फिर कैसे बंद हुई है। उनकी पत्नी बोली बोली देखो हम जब छोटे थे तो हमारी अम्मा ने हमारी भगत ही करवाई थी और अब भगत ने जा कही थी जब बिटरिया को दर्द जब सर को तब बंद हुई है जब जब बिटरिया को पति अपनी मूछ मुंडाए लिए तब सर बंद हुई है। बोले अब क्या करें उनके पति ने कही तुम चिंता मत करो देखो हम तुम्हें कोई परेशानी ना उठान दी हम अपनी मूछ मुंडाए लिए लेकिन परेशानी ना उठान दिए। अब भैया उनके पति गए सो बड़ी बड़ी मूछे रहे बेचारे ने सुबिन ने मूछे मुंडाए दी। अब जब मूछे मुंडाएंगे सो उनकी पत्नी जो रहा है ताली मार के हंसी ठाड़ी हो गए। अब जब ताली मार के हंसी सो एकदम से समझ आए के बोली कि मैंने अपनी टेक निभाई और निभाई और बालम की मूछ मुंडाई मैंने अपनी टेक अपनी टेक निभाई और बालम की मूछ मुंडाई। तो आजकल की माताएं बहनन की ऐसी पूजा होती है ताज का तो भैया पूजा फिर कई प्रकार की चली आती है।